हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं। आप लोगों ने आगे भी देखा, बच्चे जो है अपने बैग ले के मस्ती कर रहे थे। ये देखिए बाहर खड़ा है, एक रेडी हो चुका है और दूसरा भी सैंडल पहन रहा था, वो भी आ गया है पीछे से। तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए। सो हमने सोचा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ की, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। सो आपको भी मज़ा आएगा, पर वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तभी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ये बात तो नक्की है। सो यहाँ पे ना ये लोग, हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो वो लोग सामान नीचे अरेंज करने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बस मैं ताले वगैरह ले रही थी। थोड़ा सा घर मुझे समेटना था, वो सब मैंने सही कर दिया है और ताले चाबी ले रही थी। बाकी ऑलमोस्ट सब सामान जा चुका है, हम भी रेडी हो चुके हैं। सो फाइनली सब कुछ हो चुका था। बस मैं अपने बैग जो है उसको हैंग कर लूँगी। इसमें मैंने बच्चों के एक जोड़ी कपड़े वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह रखा है और उसमें थोड़ी खाने की चीज़ें रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। सो वी आर रेडी टू गो। तो हमने सोचा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, आज और कल हम लोग वापस आएंगे और वहाँ की सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको दिखाऊँगी क्या क्या वहाँ पर अच्छा है। हमारे घर से 3 घंटे का रास्ता है और अभी 9:15 हुआ है। सो हम लोग 12-1 बजे तक वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे, आराम से जाएंगे और अपनी कार से ही जा रहे हैं। बच्चे नहीं, हम लोग निकल रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा और नई नई चीज़ें मैं वहाँ के आपको दिखाऊंगी। सो चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय। सो हम लोग फाइनली निकल चुके थे घर से और ये रास्ते ना बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सो कोई दिक्कत नहीं होती पहुँचने में, एकदम स्मूथ ड्राइविंग हो सकती है। और ये देखिए कितने सारे कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको हर रोड के पास में, मतलब उसके आसपास में कोकोनट ट्रीज़ तो दिखेंगे ही दिखेंगे, दोनों तरफ पे ऐसा ही था। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये देखिए, तो मैंने सोचा इसको वीडियो बनाते हैं। मौसम भी देखिए अब कितना अच्छा हो रहा है। ना तो गर्मी थी इतनी तेज़, ना है, नहीं तो यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। तो गर्मी भी नहीं थी एक्चुअली ना, कल यहाँ पे बारिश हो गई थी तो गर्मी नहीं हो रही थी इतनी। मदुरै में कल बारिश हुई थी तो इतनी गर्मी नहीं थी। और यहाँ पे भी मौसम आज भी अच्छा ही था। ये देखिए एकदम ना गर्मी लग रही थी, बिल्कुल सही मौसम था। तो थोड़ी देर बाद हम लोगों ने एक स्टॉप लिया था, तो बस उसी के लिए ना। एक्चुअली नारियल पानी यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, पूरा पानी से भरा रहता है, मलाई भी इतनी मोटी मोटी निकलती है और एकदम मीठा मीठा पानी होता है। सो हम लोग ने सोचा चलो क्यों ना नारियल पानी पिया जाए, वो बेस्ट है कोल्ड ड्रिंक वगैरह से। तो बस हम लोग थोड़ी यहाँ पर रुकेंगे 5-10 मिनट, फिर नारियल पानी वगैरह पी के फिर वापस से ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऐसे रुक रुक के ही जाते हैं सो दैट ना बोरिंग ना हो जाए ड्राइविंग करने वाले को भी और जर्नी भी अच्छी रहे, यादगार रह जाती है ऐसी चीज़ें। तो बस ऐसा ही है। और ये देखिए लड्डू ऊपर टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है सॉरी कि है कि नहीं। और हम लोग बस यहाँ मस्ती मजाक चल रही थी हमारी, बातें वगैरह हम कर रहे थे। ये देखिए बर्फ़ी के हाथ में कितना बड़ा नारियल था। उसने कहा था मेरे को सबसे बड़ा नारियल देना भैया, तो उन्होंने सबसे बड़ा ढूंढ के दे दिया। उठाते उठाते उसके हाथ दर्द कर दे। देखिए कितनी सारी मलाई निकली है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी मलाई भी थी यहाँ। और वो चारों नारियल की इकट्ठा करो तो कितनी सारी हो जाए। और खाने वाले थे मैं और मेरे हस्बैंड, और किसी को नहीं पसंद थी। तो हम लोग भी कितनी खाते, फिर बहुत ही ज़्यादा मलाई थी। ये देखिए लड्डू खड़ा है पर उसको कम पसंद है तो बच गई थी। तो हम लोगों ने ऐसे ना बैग में पैक करा ली और फिर हमारी जर्नी वापस स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी यहाँ से थोड़ी से आगे जाके हमने ये बोर्ड देखा था, तो 84 किलोमीटर्स जो था रामेश्वरम बचा था। सो येस वी आर गोइंग टू रामेश्वरम। तो यहाँ पे ना आप देखिए, ये हम लोग जैसे ही रामेश्वरम की तरफ एंटर होने लगते हैं ना, ये देखिए दोनों तरफ पे आपको ऐसे बीच दिखता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, और ड्राइविंग करना होता है। इतनी खूबसूरत जगह है, ऐसा लगता है कि फिर मतलब ड्राइविंग करने का ना आनंद ही अलग आता है, मज़ा ही अलग आता है। ये देखिए, ये दोनों तरफ का मैंने आपको व्यू दिखाया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे फेमस ब्रिज के पास। ये आप लोगों को पता होगा शायद, ये पम्बन ब्रिज है। यहाँ से रामेश्वरम 20 किलोमीटर का ही रास्ता है, तो ये बीच में आता है, पहले ही आता है, फिर रामेश्वरम की तरफ आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है, सुपर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, रेल की पटरी है बीच में, और ना वहाँ पे जो खासियत है ना, पता है, पूरा पुल बीच में से खुलता है, ओपन होता है। जब वहाँ से शिप निकलती है तब बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है। सो यहाँ पे आप अगर आते हो तो इसको ज़रूर देखना है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सीरियसली गाइस। सो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे ऐसे ककड़ी और पाइनएप्पल और कच्ची केरी वगैरह मिलती रहती है। सो हम लोग बस वही ले रहे थे, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पीछे से पूरा ब्रिज दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ आए और फ़ोटो क्लिक ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, पर आपके साथ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो बहुत कम वीडियो फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। सो फाइनली गाइज वी आर एट रामेश्वरम, ये उनका मेन टेम्पल है। सो हम लोग बस अभी जस्ट पहुँचे हैं, अभी होटल में जाना बाकी है। तो हम लोग एंटर किए हैं रामेश्वरम में, और इसका जो बाहर से लुक था वो मैंने आपको दिखाया है, ये मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। अभी हम लोग बस अपने होटल की तरफ जा रहे थे, और ये उनका मेन गेट नहीं है, मेन एंट्रेंस भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो यहाँ पर बस अभी हम होटल की तरफ जा रहे थे, और होटल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने रूम पहले से बुक कराया था, बस कंफर्मेशन ले रहे थे एक बार। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश अप हो गए थे, कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना पीना खाया था, और हम लोग होटल से निकल चुके थे। हम लोग एक्चुअली जा रहे थे धनुष कोड़ी। तो यहाँ से आपको 30 किलोमीटर्स का रास्ता है रामेश्वरम से, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू शुड विज़िट। अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो धनुष कोड़ी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अभी उन्होंने मना किया है, बीच में पुलिस खड़ी की हुई है, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, उन्होंने ऐसा कहा। एक्चुअली वो जो प्लेस है ना, वहाँ बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन का मर्ज है, बहुत ही सुंदर दिखता है, दोनों तरफ बीच है, और बीच में गाड़ी चलाने का रास्ता है, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप लोग आते हो तो वो प्लेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा। और वो जो देखने लायक सीन है ना, वो जो मर्ज है उनका, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का, वो सुपर सीन है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं सही कहती हूँ, इतना अच्छा नज़ारा है वो। पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं जा पाए हैं। सो हमने सोचा, थोड़ी देर तो हम लोगों ने अफसोस किया कि हम नहीं जा पाए, बहुत कोशिश भी की पर नहीं हो पा रहा था। कोई टैक्सी वाला भी नहीं ले के जा सकता था, उन्होंने कहा अलाव ही नहीं करते हैं, नहीं तो हमने सोचा हम टैक्सी करके जाते, हो सकता है प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड ना कर रहे हो, तो नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं अलाउ कर रहे थे। सो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा, जो दरिया आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारे हम जहाँ होटल में रुके ना उसके पास वाला है, और यहाँ से टेंपल आपको वॉकिंग डिस्टेंस है। हमारी होटल जो थी वो मंदिर से 0.65 किलोमीटर्स थी, वॉकिंग डिस्टेंस था बिल्कुल ही, और ये जो दरिया है उससे वॉकिंग डिस्टेंस में है टेंपल, जो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना दूर है यहाँ से। जैसे सोमनाथ में आपने देखा होगा ना, उसी तरीके का है यहाँ पे भी। अगर कोई सोमनाथ गया है तो आपको अंदाज़ा होगा किस तरह का है। यहाँ पे वहाँ पे बंद था, तो सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे सभी लोग, तो हम लोगों ने भी मज़े ले लिए। फिर वैसे भी ना बच्चों को बीच में नहाने का अलग ही मज़ा आता है, हम सबको बहुत मज़ा आता है। सो हम लोग बस वही मज़े ले रहे थे, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सो चलो आप लोग भी आ जाइए, मज़े करिए हमारे साथ, बीच की आनंद लीजिए। ठंडी ठंडी हवा इतनी चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब छोटे छोटे से वेव्स आ रहे थे। सो बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम आराम से हम मज़े ले रहे थे उस चीज़ का। अगेन इट्स टाइम फॉर द फ़ोटो सेशन। तो हमारा फ़ोटो सेशन चालू हो चुका था, हम सब फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हो गए थे। तो फ़ोटो बस ये क्या होता है ना, फ़ोटोज़ तो मेरे से ना वैसे भी वीडियोस बहुत डिलीट हो जाते हैं। फ़ोटोज़ मैं सेव कर लेती हूँ, वीडियोस मैं काफ़ी बार डिलीट कर चुकी हूँ इसके पहले भी। तो इस बार फ़ोटोज़ भी हमने बहुत सारे क्लिक किए हैं। तो अगेन आई एम शेयरिंग विथ यू और आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसी उम्मीद रखती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कौन सा फ़ोटो आपको अच्छा लगा। ये ना मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं अब हो गया है, चलो निकलो बाहर, बहुत नहीं नाना है नहीं तो बीमार पड़ोगे। सो हमारी मस्ती चल रही थी और फ़ोटो क्लिक हो गया था। और यहाँ पे देखिए कितने मज़े किए हम लोगों ने सही में। उसके बाद हम लोग चले गए थे रूम पे। तो हमने वहाँ पे ना नहा लिया, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था, आधा पौना घंटा जितना रेस्ट किया, क्योंकि बहुत थक गए थे। वैसे भी बीच या स्विमिंग पूल जाके आना तो अलग ही थकावट सी हो जाती है। और ये नाइट टाइम का वीडियो है। फिर हम लोग खाना खाने के लिए निकले थे, अराउंड 8 o'clock का टाइम होगा। सो हम लोग ने सोचा हम खाना खा लेते हैं। तो जहाँ पर हम लोगों ने पूछा वहाँ पर साउथ इंडियन फूड ही था। तो पहले हम लोग यहाँ पे ना आ चुके हैं, तो पता है कि शायद नॉर्थ इंडियन भी मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा मिल जाता है बल्कि। पर अभी उन्होंने बोला लॉकडाउन की वजह से बहुत पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपको मिलेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत ही कम है। अदरवाइज़ ये रोड पे आप चल नहीं सकते, इतना ट्रैफिक है। आज तो हम गाड़ी लेके पूरा घूम रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, नहीं तो वॉक करके जाना पड़ता है, गाड़ी तो आप चला ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं पूछने आई थी क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम मिला था हमको। सो अभी हम रात का खाना खाने के लिए निकले हैं बाहर, बहुत ही मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। तो खाना ढूंढ रहे थे पहले तो कि क्या खाए, क्योंकि सुबह ना हमने वही सब खाया था जो यहाँ का राइस, सांभर और रसम वगैरह ही। तो अभी थोड़ी सी रोटी खाने की इच्छा थी, बच्चों को भी रोटी खानी थी। तो फिर अब एक होटल मिली है जहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड भी है। सो देखते हैं, मैं इन लोगों की वेट कर रही हूँ, इसलिए बार बार वहाँ पे देख रही हूँ। वो लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, मैं थोड़ा ढूंढ रही थी कहाँ पे है। फाइनली हमारा खाना पीना सब ख़त्म हो चुका था और आज का दिन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो वीडियो भी मैं ख़त्म कर रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा देखने का। वो टेम्पल वगैरह का है, शॉपिंग का है, उसमें एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। अगर ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ वेट फॉर इट। बाय बाय।